देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर में एरोड्रम थाने के पीछे पुलिस विभाग की खाली पड़ी हुई जमीन पर क्षेत्र के रहवासी एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने सकारात्मक सोच दिखाते हुए बच्चों के खेलने के खातिर बंजर एवं बदहाल जमीन को व्यवस्थित कर यहां पर खेल मैदान बनवा दिया था, जिसमें सभी आसपास के क्षेत्र के बच्चे सुबह शाम खेलते थे। इस मामले में पुलिस विभाग की भी मौखिक सहमति थी। इसी तरह यहां पर पुलिस क्वार्टर पीछे सेप्टिक टैंक और आसपास की उजाड़ जगह उपेक्षित व दलदल वाली जगह को बगीचे का रूप दिया। स्वयं के खर्च एवं जन भागीदारी से हजारों रुपए के पेड़ पौधे लगाए, दलदल खत्म किया, सेप्टिक टैंक की गंदगी हटाई, जीव जंतुओं से मुक्त किया, तार फेसिंग कर अतिक्रमण से मुक्त किया, स्थान को नशेड़ियों व गंजेड़ियों से भी मुक्त कराया। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश में सरकार बदलते ही पुलिस अधिकारी भी बदल गए। यहां पर तत्कालीन थाना प्रभारी राहुल शर्मा ने बच्चों को खेलने से मना कर दिया। यह सब कार्य पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के इशारे पर हो रहा था। वहीं हाल ही में 6 मार्च 2023 को पुलिस विभाग में कब्जे की झूठी शिकायत की। पुलिस पर दबाव बनवाकर यहां पर बच्चों के लिए चक्री, झूले, फिसल पट्टी नहीं लगाने दिए जा रहे थे। तत्कालीन TI संजय शुक्ला के माध्यम से इसे उजाड़ने की मुहिम चलाई और अब यहां पर निजी कब्जा हो गया है। पेड़ पौधे तथा पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के बैनर पोस्टर सब हटा दिए गए हैं। श्री द्विवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इंदौर में पुलिस विभाग द्वारा अनेक स्थानों पर सार्वजनिक बगीचे इत्यादि बनवाए गए हैं, किंतु यहां पर भाजपा नेता सुदर्शन गुप्ता के दबाव में बच्चों के लिए बनाए गए खेल के मैदान एवं बगीचे को जबरदस्ती उजाड़ दिया गया। अब पुलिस भी भाजपा नेताओं के पाप में सहभागी बन रही है। ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता की मानसिकता संकीर्ण है, भाजपा नेताओं की मानसिकता संकीर्णता के दायरे में है। मामला यह है कि एरोडम थाने के पीछे जो खाली जमीन पड़ी थी, बेकार पड़ी हुई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी और पुलिस अधिकारियों ने मीडिया के सामने ये कहा कि बेकार पड़ी खेल के मैदान और जगहों पर हम बच्चों को खेलने की सुविधा प्रदान करेंगे। मैंने उसे मैदान में तब्दील कर दिया। 20-3-2020 को लॉकडाउन लगा, राहुल शर्मा वहाँ TI थे, उन्होंने बच्चों को खेलने से मना कर दिया। आज आप परिस्थिति, अभी वीडियो आपके सामने दिया जाएगा, वो खेल का मैदान तहस नहस हो गया। उसके पास ही में 60 फीट रोड बना था, पीछे की अच्छी जगहों पर पुलिस के क्वार्टर वालों ने बगीचे बना लिए, अपने कब्जे कर लिए, लेकिन जो सेफ्टी टैंक और ये दलदल वाला भाग था पूरा छोड़ दिया, जिसे मैंने बगीचे के रूप में पुलिस अधिकारियों की सहमति से बना दिया। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर फिर शिकायत की गई कि यहाँ कब्जा है। अधिकारियों ने देखा, बोला कब्जा नहीं है, ये तो बच्चों का बगीचा है। परंतु राजनीतिक दबाव और प्रभाव के चलते पुलिस अधिकारियों ने मुझसे कहा कि आप यहाँ से हट जाएं, हम इसको संवार लेंगे नगर निगम के माध्यम से। अभी 8-10 दिनों से मैं लगातार देख रहा हूँ कि एक एक पेड़ कट रहे हैं, बगीचे पर दो परिवार कब्जा करे बैठे हैं। सवाल यह है कि जन भागीदारी के माध्यम से अगर किसी उजाड़ जगह को खेल का मैदान दे दिया, बना दिया जाए, बच्चों का बगीचा बना दिया जाए, तो सुदर्शन गुप्ता जैसे लोगों का पेट क्यों दुखता है, भाजपा के नेताओं का पेट क्यों दुखता है? मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर जब शिकायत जाती है तो शिकायत का तहकीकात क्यों नहीं की जाती कि वास्तव में शिकायत क्या है? पूर्व में जब शिकायत की गई थी तो रुचिवर्धन मिश्रा मैडम स्वयं में मौके पर गई थी और जब उन्होंने पुलवामा के शहीदों के फोटो और ये देखे और बगीचे देखे और उनकी याद में लगे पेड़ पौधे देखे तो शाबाशी दी। अचानक सत्ता बदल गई और पुलिस का चेहरा बदल गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो अपने ही दल के असंतुष्ट नेताओं को परसों पुलिस के साये में रखे हुए थे। सुदर्शन गुप्ता ने विरोधियों को के पीछे पुलिस लगा रखी थी। मैं आज ये पत्र परसों पुलिस अधिकारियों को भेज रहा हूँ
कि अगर 3 दिन के अंदर आप लोगों ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया तो मुझे पेड़ काटने की अनुमति दे दो, क्योंकि ये शहीदों के नाम के लगाए हुए पेड़ हैं। वकीलों ने टी गाड़ दिए, हमने कलेक्टर कार्यालय में जितने पेड़ पौधे लगाए थे, जब पेड़ बड़े हो गए तो जो टी गार्ड पड़े हुए थे, हमने पुलवामा के शहीदों के नाम पर जब वृक्षारोपण होने लगा तो वो दे दिए थे। पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता का क्या हाथ है, मतलब किस तरह से वो पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी का तो बस नहीं चला, नहीं तो वो तो जब से विधायक है तब से न जाने कितने मुकदमे मुझ पर लदवा देते, न जाने क्या क्या करवा देते, लेकिन मैं कानून के दायरे में रहने वाला आदमी, मेरा कुछ नहीं कर पाया, मेरे पास अपना तंत्र है। पर सीधे सीधे वो हस्तक्षेप करते हैं। ये सौगात अगर मिल जाती, खेल का मैदान मिल जाता, तो कलानी नगर से लेकर के पल्लड़ नगर और इधर के बच्चों को जो खेलते हैं वो एक जो मन के अंदर भावना लेके जाते वो एक निस्वार्थ भावना होती और वो मेरे प्रति होती, जन भागीदारी के प्रति होती, और सरकार के मुंह पर एक तमाचा होता कि पुलिस की जो बेकार पड़ी हुई जगह है उसे खेल के मैदान के लिए दिया जा सकता है। जब विराट कोहली एक अपील करता है तो हाईकोर्ट संज्ञान ले लेता है। आज के अखबार आप पढ़िए, मीर रंजन नेगी जैसा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी फुटपाथ पर हॉकी क्लब चला रहा है, हॉकी के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रहा है। ये इंदौर है, बच्चे खेलने को तरस रहे हैं और आप सोचते हो कि यहां एक से एक विराट कोहली पैदा हो जाए, मीर रंजन नेगी पैदा हो जाए। उनको पैदा करने के लिए खेल के मैदान चाहिए, न कि सड़क और फुटपाथ चाहिए, इसलिए मेरी ये लड़ाई है। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।